अरे हेलो हेलो जी हाँ, क्यों ऐसे हालत बने कि आप दोनों लड़कियां एक साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम 4 साल से एक साथ हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों एक साथ हैं। लेकिन उनके परिवार वाले तो मना कर दिए कि नहीं, मेरे घर वाले ने हाँ कर दी, मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, आप भी घर आ जाओ। लेकिन जब मैंने हमारे माँ बाप छोड़ दिए तो इसको भी इसके माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे। हम एक साथ रह लेंगे, कहीं मकान लेके हम हमारा काम करेंगे। क्या कैसे कमाओगे? जो काम करते हैं वो तुर्रे बनाते हैं, नए बाजार से लाके माल बनाते हैं, वही काम करेंगे। इसको भी सिखा दूंगा, वो कर लेंगे। आप घर वाले परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, इसके बावजूद भी आप जा रहे हो, ऐसा क्या कारण है? जब इसके माँ बाप रो रहे हैं तो भी इसने छोड़ा ना इसके माँ बाप, मेरे को भी छोड़ना तो पड़ेंगे ही ना। अब मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती, मैंने वादा करा इससे कि नहीं मैं छोड़ूंगी इसको, तो मैं नहीं छोड़ सकती उसको। ऐसे क्या कारण हुए जो इतना गहन प्यार हो गया? अरे हम एक दोस्त की तरह थे पहले, और हम दोनों से ना फोन पे बात होने देती थी, इससे बात करती थी, तो मेरा रोड पे आना जाना बंद था, इसलिए फिर हमने सोच लिया कि हम एक साथ ही रहेंगे। जब भी लोग बात करे तो आपसे होगी ना बात? जी हाँ। फिर पूरा मोहल्ले में कह रहा था ये अगर किसी से बात करे, भावना से बात करे, तो हमें घर पे आके बताया जाए, और मेरा घर से आना जाना बंद था, इससे फोन पे बात करना बंद था, इसलिए ये मेरे बिगड़ नहीं रह सकती थी, मैं इसकी बिगड़ नहीं रह सकती थी, इसलिए हम एक साथ हैं। नहीं तो कोई लड़का ना चुनते ना, आपने लड़की चुनी, ऐसा किया? जरूरी थोड़ी होता, जब इसके माँ बाप मर जाते वो लड़की एक हो, शादी तो जरूरी थोड़ी करना। तो बिना शादी के रहेंगे आप एक साथ? जी। इनके घर वालों ने इनको वापस बुला लिया, अगर वो रखना चाहेंगे तो हम रह सकते हैं, और अगर वो नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, वाला ही रह लेंगे। मार देते पीट देते मुझसे बात जी। किस तरह से ये हालात बने, क्यों तो लड़की और लड़की में प्यार हुआ, ये क्या कारण है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उसके घर पे आती जाती थी। पहले तो उसके घर वालों ने मुझे आने जाने दिया, और जब हमारी इसकी मम्मी की मेरी पटरी मिलने गई तो इसकी मम्मी ने इसको मारना चालू कर दिया, बोले कि नहीं तुम हमारे घर ही मत आए, बस इससे बात मत करा कर, ये मतलब बहुत ज़्यादा इससे टॉर्चर पड़ा करने लग गए। तब इसे देखती रही, फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने जाना बंद कर दिया, और थोड़े बाद में इसने मुझे फ़ोन करके बोला नहीं भावना, मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते हैं, मुझे तेरे साथ ही रहना है, क्योंकि तू मेरा पूरा ख्याल रखती है, मैं हर चीज़ आगे से आगे इसको पहुंचा देती हूँ, पूछ लो आप इससे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अब कैसे करोगे जब आप एक साथ रहने लग जाओगे, तो 2 दिनों का खर्चा कैसे चलेगा? जैसे मैं काम करती हूँ 500 रुपये रोज के तुर्रे बनाती हूँ, वैसे ही 15,000 रुपये महीने के कमाती हूँ मैं, वैसे ही काम करूँगी, घर वालों के साथ हूँ, घर वाले मेरे साथ हैं, इसके घर वालों की तरह नहीं है मेरे घर वाले। अच्छा देखिए, 2 लड़कियों का परिवार हमें प्राप्त हुआ है, हमने इनको जरिए टेलीफोन बुलाया थाने पे, दोनों ही बालिग हैं और दोनों ही घर पे नहीं रहना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं, तो हमने इनके माँ बाप को बुला करके उनसे समझाइश की है। एक ने आरोप लगाया कि भाई मारपीट करते हैं, तो ऐसा पिताजी ने उनका नहीं बोला है कि वो मेरे साथ कोई मारपीट नहीं करते हैं, तो अब दोनों बालिग हैं तो दोनों अलग रहना चाहती हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी परेशानी नहीं है, माँ बाप को भी दिक्कत नहीं है। क्या प्यार करती दोनों? बता रही प्यार करती। देखो दोनों लड़की हैं, दोनों बता रही हैं कि हम दोनों गहरे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं। जी आपका नाम? मैं लाल सिंह, हेड कांस्टेबल थाना गंज से।